ओमिक्रॉन आ रहा है, दुकानदारी को लेकर परेशान भी होगे, लेकिन अब नहीं होना होगा परेशान, क्योंकि आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप। अब आपके कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान माई बिग ब्लिस ऐप पर। ओमिक्रॉन के दौरान आपकी सेल को गिरने से सिर्फ बचाएगी ही नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी, तो इंतजार किस बात का, तुरंत फोन उठाओ और डाउनलोड कर रजिस्टर करो अपनी दुकान, वो भी मुफ्त में। माई बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। अब कर्नल अजय से जानेंगे कि आज कृषि फसलों में कैसा बाजार देखने को मिल सकता है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है। कर्नल अजय जी, जैसा आपने अभी बताया भी कि सोयाबीन की आपने भविष्यवाणी जो की थी वो भी सत्य साबित होती नजर आ रही है, और हमने देखा भी है कि सोयाबीन और सोयाबीन तेल दोनों में बढ़त देखने को मिली है। सोयाबीन में हमने ज़्यादा बढ़त देखी है, सोयाबीन में जो लेवल्स 5600-5700 तक गिर चुके थे NCDX पर, अब वही सोयाबीन एक दिन की तेजी के अंदर अंदर 6200 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब आगे सोयाबीन और सोयाबीन तेल में कैसा रुझान रहेगा? देखिए, यद्यपि NCDX के ऊपर फ्रेश पोजीशन लगाने में रोक लग गई है, लेकिन ऑयल सीड का बहुत बड़ा बाजार, हाजिर बाजार है, फिजिकल बाजार है। इसमें सोया के प्लांट्स हैं, कारोबारी हैं और सॉल्वेंट हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा जो कारोबार है वो विदेशी तेल का आयात होता है और उसके बाद में टैंकर बेस अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता है, वहां पे फिर रीपैकिंग होती है और दूसरे जो कारोबारी है अपने ब्रांड के नाम से माल बाजार में बेचते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर जैसे निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई और ये उन लोगों को माकूल जवाब है जिनके दिमाग में ये थी कि NCDX पे रोक लग जाएगी और सोयाबीन 1100 से नीचे का भाव रिफाइंड ऑयल का हो जाएगा और ये 1050-1080 तक की बातें बाजारों के अंदर सुनने में आने लगी थी। और गौरतलब है कि मैं मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से, अखिलेश राठी जी के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी कारोबारी हैं, किसान बंधु हैं या फिर मिल ऑनर्स हैं, वो भी विशेष ख्याल रखें कि क्यों उन मार्केट विशेषज्ञ के ऊपर वो जरी सी तेजी होने पर तेजी का राग अलापने लगते हैं और जरी सी मंदी होने पे लगातार मंदी की कॉल देने लगते हैं या मंदी की बात करते हैं। तो ऐसी दशा के अंदर वो तेजी में भी परेशान होता है बंदा और वो मंदी में भी परेशान होता है। और ये अक्सर परिपाटी हो गई है कि तेजी में तेजी चिल्लाओ, मंदी में मंदी की कॉल करो, तो ये बाजारों का निश्चित रूप से ये कोई तरीका या नहीं है। जो भी फंडामेंटल आप अपनी राय रखते हैं उसके लिए कम से कम महीना दो महीना उस पर आपको कायम रहनी चाहिए, तभी तब उस मार्केट विशेषज्ञ की राय का कोई मतलब निकलता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, कोई इसका वह नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर अब थोड़ी सी ठहराव रहने की संभावना है कुछ समय के लिए, लेकिन कुल मिला के यदि मैं देखूं कि यदि सोया और रिफाइंड ऑयल का ताल का भाव 1080 या 1050 या 1070 आए, ऐसी संभावनाएं नहीं है। बाजारों के अंदर ठहराव जरूर रह सकता है लेकिन बहुत बड़ी मंदी की संभावनाओं से मैं इनकार करता हूं, मेरा विश्लेषण नहीं कहता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती है, और याद कीजिए चाहे वो कॉटन है, चाहे प्याज है, चाहे सोयाबीन है, या फिर मसालों के अंदर लाल मिर्च है, कोरिएंडर धनिया है या फिर जीरा, इसके ऊपर हमने प्रयास किया है कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो चमत्कारिक फार्मूले हैं उन फार्मूले के आधार पर विश्लेषण कर आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। और ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मार्केट टाइम्स की नहीं है, ये जीत अजय एस्ट्रोमनीगरी फाइनेंशियल चैनल की नहीं है, ये जीत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की, हमारे ऋषि मुनियों की, जिन्होंने सदियों पहले ऐसे जबरदस्त विलक्षण फार्मूले ईजाद किए थे और जिससे सटीक विश्लेषण करने में संभव हो। लेकिन
सदियों से हमारे देश पर आक्रमण, हमारी संस्कृति पे आक्रमण, हमारी भाषा पे आक्रमण, हमारे ज्ञान विज्ञान पर एक सवालिया निशान, इससे काफी समय तक हम लोग अंधेरे में रहे और भारतीय भी इसको इसको कम मानने लगे। लेकिन अब समय है कि पुनरुत्थान का, पुनर्जागरण का, और सही को सही और गलत को गलत साबित करने का, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से करती आई है। तो सोयाबीन के अंदर मेरी यही राय है अखिलेश जी। जी, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।